अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, तो यानी कि अब खतरा चारों तरफ से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जहां दिल्ली एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून से जूझ रही है, तो वहीं कोरोना वायरस से भी अब दोहरे रूप में जूझती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा है। केजरीवाल ने बताया है कि अभी तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की विशेष जांच की जा रही है। और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस को लेकर और दिल्ली को लेकर कहा है, देखिए इस वीडियो में। एयरपोर्ट के ऊपर अब जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उन सब की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, और जिनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को, उन सभी लोगों को जिनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं, उनको RML रामल और लोहिया में रेफर कर दिया जा रहा है। अभी तक 1,16,589 पेशेंट पैसेंजर्स को। SPN9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।